डीसी का सुपर हीरो फिल्म शज़ाम का सिक्वल रिलीज हो चुकी है, शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड। बाकी मूवी कैसी है करेंगे रिव्यू। पहले तो मैंने शज़ाम पार्ट 1 नहीं देखा था क्योंकि मैं मोस्टली मार्वल को फॉलो करता हूँ, तो मैंने फटाक से रात में बैठा और शज़ाम पार्ट 1 को फिनिश कर डाला। उसके बाद मैं आज थिएटर पहुंचा तो देखा मैंने, थिएटर में तो कोई है ही नहीं यार। लेकिन मैंने शज़ाम पार्ट 1 कल ही देखा हूँ तो मुझे स्टोरी पूरा ताज़ा था, तो मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कनेक्ट कर पाया। क्योंकि अगर तुमने पार्ट 1 पहले नहीं देखा और डायरेक्ट पार्ट 2 देखने जा रहे हो तो मुश्किल है। पहले पार्ट 1 देख लो, तभी पार्ट 2 तुमको समझ आएगा। शज़ाम पार्ट 2 द फ्यूरी ऑफ गॉड पार्ट 1 से कहीं बेटर है, चाहे वो कॉमिक सेंस में लो या पावर के बारे में लो, हर चीज फार बेटर है पार्ट 1 से। शज़ाम 2 जो कि एक सुपर हीरो मूवी है, लेकिन इसे सुपर हीरो मूवी कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि मूवी में जबरदस्त कॉमेडी है यार, तो इसे हम कॉमेडी सुपर हीरो कह सकते हैं। स्टोरी का बात कर ले तो बेली वेटसन जो शज़ाम का पावर से हीरो बन चुका है और पार्ट 1 में उसने एक गड़बड़ कर दिया था, वो गड़बड़ याद है ना तुम्हें? नहीं याद है? अरे वो छड़ी तोड़ दिया था जिसके कारण बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण एटलस की बेटी 3 बेटी पृथ्वी पे आ जाती है पावर लेने के लिए। और आगे शज़ाम उसको पावर देते हैं या नहीं, ये आपको मूवी में देखने को मिलेगा और काफी मजा आएगा। VFX का बात कर ले तो VFX काफी बढ़िया है, क्लाइमेक्स सीन तो जबरदस्त है यार। और क्लाइमेक्स में किसी का कैमियो भी होता है जो कि कुछ ज्यादा मजा तो नहीं देता क्योंकि हम लोग को डीसी वालों ने पहले ही रिवील कर दिया, तो उसका तो कोई सस्पेंस ही नहीं बचा है, तो छोड़ते हैं उसको। और मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है और एक लास्ट क्रेडिट सीन है, तो उसे मिस करना बिल्कुल मत भूलना, उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। और ये मूवी बनी है 1000 करोड़ के आसपास, तो इसे हिट होने के लिए कम से कम 2500 करोड़ तो कमाना ही पड़ेगा। मूवी का लेंथ है टोटल 2 घंटा 10 मिनट, जो कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। अगर आप लोग मूवी को इस कदर बनाया गया है कि मूवी को एक बच्चे से लेके बूढ़े तक बहुत ही इंजॉय करके देख सकते हैं, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं गए हो तो फैमिली को लेके जाना और इंजॉय करना। तो आज के लिए बस इतना ही, के बाद आने वाली है कब्जा कब रिव्यू, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।